हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एस ए पी एम दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में इसे एस के नाम से भी है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से कुछ कोर्सेज में इसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से ही सब्जेक्ट है बट कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है ठीक है तो ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा ट्वेंटी सेकेंड लेक्चर वीडियो है तो चलिए एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सेकेंडरी मार्केट का चैप्टर इस समय चल रहा है इस चैप्टर में हम क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे तो ये जो चैप्टर है सेकेंडरी मार्केट का इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में सेकेंडरी मार्केट का ओरिजिन क्या हुआ एक्सचेंज इन इंडिया इंडिया में आज फरवरी 2022 में दो हजार चौबीस सॉरी 2024 में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? इसकी लिस्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इसके साथ ही मैंने ट्रेडिंग के बारे में बताया था हाउ द सिक्योरिटीज आई सेल इन स्टॉक मार्केट डिपॉजिटरी क्या है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है फिक्स एंड रोलिंग सेटलमेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है जो सिक्योरिटीज है इनकी लिस्टिंग जो होती है इसके बारे में हमने पढ़ा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे आज हम एन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ठीक है क्यों स्टैब्लिश किया गया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हु आर द प्रमोटर्स ऑफ एन सॉफ्टवेयर कौन सा एन में यूज होता है एन क्या है एंड एन के एडवांटेज क्या है तो ये सब डिटेल में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एनएससी दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है दिस इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एनएससी जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये वर्ल्ड का इंडिया का नहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एंड इट वर्क एज ए कैटलिस्ट फॉर ड्राइविंग द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करने में एनएससी का बहुत बड़ा योगदान है ठीक है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इट वर्क एज ए कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड एन का ऑफिस कहाँ है मेन ऑफिस कहाँ पे है एनएससी इज बेस्ड इन मुंबई ये मुंबई में इसका मेन ऑफिस है ठीक है तो समझ में आया एनएससी क्या है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एंड इट इज बेस्ड इन मुंबई और एक और बहुत खास बात है मैंने जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बहुत खास बात क्या है कि इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बी लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो एनएससी पहला स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट की थी इंडिया में 1994 में ये बहुत खास बात है इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी जो एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग बताई थी ना सिस्टम होता है उसी में सारे शेयर्स के नाम लिखे हैं उनका वॉल्यूम उनकी प्राइस बेट प्राइस ऑफर प्राइस लिखी हुई है तो स्क्रीन पे जो ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक बेस से जो ट्रेडिंग होती है ये सबसे पहले एनएससी में स्टार्ट हुई थी कब स्टार्ट हुई थी 1994 में और उसके बाद बाकी स्टॉक एक्सचेंज ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट की थी अपने पे ठीक है जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था बीएससी में कब स्टार्ट हुई थी बी में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी 1995 में सबसे पहले कहां पे शुरू हुई थी सबसे पहले एनएससी में स्टार्ट हुई थी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कब स्टार्ट हुई थी नाइनटीन में ठीक एंड एन एस सी क्यों गया था एनएससी एस किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेरवानी कमेटी फेरवानी कमेटी थी उन, उनके रिकमेंडेशन पे एनएससी को इस्टैब्लिश किया गया था और उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि नेशनल स्टॉक मार्केट सिस्टम स्टैब्लिश किया जाए ठीक है तो दिस इज एन एक्चुअली फेरवानी कमेटी ने एक एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक मार्केट सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उससे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज थे इंडिया में उनमें कुछ डिफेक्ट थे उनमें कुछ कमियां थी इंडियन स्टॉक मार्केट में 1994 से पहले कुछ कमियां थी तो इसलिए फेरवानी कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए उनके बेसिस पे 1994 में एनएससी स्टैब्लिश किया गया अब ये कमियां क्या क्या थी सबसे पहली कमी थी लैक ऑफ लिक्विडिटी लैक ऑफ लिक्विडिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मार्केट इन टर्म ऑफ डेथ एंड ड्रेथ इसका मतलब क्या है कि एनएससी से पहले मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं थी लिक्विडिटी क्या मतलब लिक्विडिटी मतलब कि अगर शेयर को कैश में कन्वर्ट करना चाहे तो वो इतना ईजिली नहीं हो पाता था लिक्विडिटी कम थी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था आउटडेटेड सिस्टम थे ठीक है एकदम अपडेटेड मॉडर्न सिस्टम्स नहीं थे ट्रेडिंग के आउटडेटेड सिस्टम थे एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी ठीक है जिससे इन्वेस्टर जो थे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हेजिटेट करते थे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी किस प्राइस पे डील हो रही है ये इन्वेस्टर्स को मतलब पता नहीं चल पाता था तो ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी प्लस आउटडेटेड सेटलमेंट सिस्टम भी बहुत आउटडेटेड था सेटलमेंट सिस्टम पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि जो बायर है उसके पास शेयर आ जाए सेलर जो है उसके पास कैश आ जाए तो ये जब पूरा ट्रेड कंप्लीट होता है ना दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट इसी को कहते हैं सेटलमेंट सेटलमेंट वो प्रोसेस है जिसके तहत बायर को उसके शेयर मिल जाए सेलर को उसके पैसे मिल जाए तो इसको कहा जाता है सेटलमेंट तो 1994 से पहले एनएससी के होने से पहले जो सेटलमेंट सिस्टम भी इंडिया का था ना इट वाज डीले वो बहुत स्लो था शेयर अभी खरीदे हैं पर वो आपके डीमेट अकाउंट में काफी समय के बाद आएंगे तो बहुत डीले होता था जिससे भी इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता था शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ठीक है तो ये कुछ कमियां थी जिसकी वजह से एनएससी स्टैब्लिश किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ठीक है एंड इसका हेड ऑफिस कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है मुंबई में ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं बताती हूँ एनएससी का ऑब्जेक्टिव क्या है क्या उद्देश्य है क्यों इस्टैब्लिश किया गया उद्देश्य क्या था इसका तो सबसे पहला जो उद्देश्य है एनएससी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वो ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट प्रोवाइड कर सके ठीक है बात समझ में आई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव क्या है उद्देश्य क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फेयर इफिशियंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट प्रोवाइड कर सके यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इन्वेस्टर को फेयर ट्रांसपेरेंट एंड इफिशियंट सिक्योरिटी मार्केट प्रोवाइड कर सके ताकि इन्वेस्टर को कोई दिक्कत ना आए वो आसानी से ट्रेडिंग कर सके शेयर का खरीदना बेचना कर सके ठीक है ये पहला पर्पज था दूसरा पर्पज क्या था टू एस्टेब्लिश अ नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एनएससी का दूसरा पर्पज ये था कि नेशन वाइज यानी पूरे इंडिया में नेशन वाइज आसानी से ट्रेडिंग फैसिलिटी वाइड रेंज पर ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके लोग इक्विटी में डेप्ट में एंड हाइब्रिड मोड में ट्रेडिंग कर सके शेयर का खरीदना बेचना कर सके ठीक है तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था टू इंश्योर इक्वल एस टू इन्वेस्टर ऑल ओवर द कंट्री थ्रू अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क इसका क्या मतलब है कि ऑल ओवर कंट्री पूरे देश में लोग आसानी से कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आसानी से जितने भी इन्वेस्टर हैं सबको ट्रेडिंग की फैसिलिटी का इक्वल एक्सेस यानी सभी को इक्वल एक्सेस मिल पाए ट्रेडिंग के लिए ठीक है सब लोग आसानी से ट्रेडिंग कर पाए नेक्स्ट जो एनएससी का पर्पज था वो ये था कि टू शॉर्ट द सेटलमेंट साइकिल ये जो सेटलमेंट साइकिल है उसको और ज्यादा शॉर्ट किया जा सके इसका मतलब समझ रहे ना अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था पहले क्या था शेयर बायर ने शेयर खरीदा उस शेयर को उसके डिमेट अकाउंट में आने में बहुत समय लगता था बट एन का क्या पर्पज था कि ये काम क्या हो कम से कम समय में हो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो सेटलमेंट साइकिल है वो रिड्यूस होती गई पहले टी प्लस फाइव होती थी फिर टी प्लस थ्री हुई फिर टी प्लस टू हुई फिर अब क्या है सेटलमेंट टाइम अब है टी प्लस वन यानी ट्रेडिंग डे जिस दिन आपने ट्रेड किया है उसके बाद एक दिन और लगेगा शेयर आपके डिमेट अकाउंट में आ जाएंगे तो एनएससी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि सेटलमेंट साइकिल को शॉर्ट करना ठीक एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एनएससी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ठीक है इंडिया की बात नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड है सिक्योरिटी मार्केट का उसको मीट कर सके ठीक है तभी तो एफ जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो इंडिया में तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना जब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है जो सिक्योरिटी मार्केट है वो भी इंटरनेशनल लेवल का होगा ठीक है तो ये कुछ पर्पस थे ये पांच ऑब्जेक्टिव थे एनएससी के ठीक समझ में आ गया यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं प्रमोटर्स की जो एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसके प्रमोटर्स कौन है कौन कौन है प्रमोटर मतलब क्या होता है पहले ही बताती हु देखिए प्रमोटर पर्सन भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो कह लीजिए उस बिजनेस आइडिया को इनिशियली कंसीव करता है एंड उसके मतलब फाउंडर्स होते हैं बेसिकली प्रमोटर्स कौन होते हैं वो फाउंडर्स होते हैं ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो उस बिजनेस को हेल्प करते हैं ठीक है ये पर्सन भी, भी हो सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है तो एनएससी को इस्टेब्लिश करने में बहुत सारे इसके फाउंडर थे जिन्होंने बहुत हेल्प की ऑर्गेनाइजर्स थे तो यही सब हैं जो एनएससी के प्रमोटर्स हैं आई डी बी आई आई एफ सी आई जी आई सी बैंक ऑफ बड़ौदा कॉरपोरेशन बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पी एन बी आई सी आई सी एल आई सी एस बी आई कैनरा बैंक इंडियन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो ये डिफरेंट क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोटर्स दे आर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस बिजनेस यानी एन एस सी को इन सब ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया बहुत प्रमोट किया ठीक है तो ये इसके प्रमोटर्स हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पढ़ना है एडवांटेज पढ़ना है एन एस सी के लेकिन उससे पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ ये मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से एंड दिस इज माई सेकेंड चैनल पूजा सिंह के नाम से एंड आज की तारीख मतलब फरवरी दो हजार चौबीस तक ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकेंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा इसकी हेल्प से पढ़िएगा खुद भी पढ़िएगा एंड फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर किया करिए ठीक है एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वॉज दिस लेक्चर ये लेक्चर कैसा था एंड मेरे वीडियोस को भी जरूर शेयर किया करिए ठीक है एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए वहां पे भी मैं चैनल से रिलेटेड अपडेट डालती रहती हूँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं बात करती हूँ सॉफ्टवेयर की एनएससी का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है तो मैंने बताया था ना बी का सॉफ्टवेयर क्या है बी का सॉफ्टवेयर था बोल्ट एनएससी का सॉफ्टवेयर क्या है नीट एन ई ठीक है तो सॉफ्टवेयर जो होता है एनएससी ट्रेडिंग सिस्टम का वो क्या है नीट नीट का फुल फॉर्म क्या है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग ठीक है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट ये एनएससी का सॉफ्टवेयर है एंड एनएससी के जो ट्रेड होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू होते हैं एंड जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं मतलब जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं उन सब के कंप्यूटर कनेक्टेड किससे होते हैं सेंट्रल कंप्यूटर जो मुंबई में जो सेंट्रल कंप्यूटर है एनएससी का उससे कनेक्टेड होते हैं थ्रो लीज लाइन थ्रो वी सैट ठीक है इसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड इनके जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट की हेल्प से भी होते हैं ठीक है तो दिस इज द एनएससी सॉफ्टवेयर ये है एनएससी का सॉफ्टवेयर नीट इसके साथ ही एनएससी में दे इज ए नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर एनएससी में नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर भी है जिसका क्या काम है जिसका काम है कि अगर नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना और ये जो नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर्स हैं ये थ्रू आउट द डे एक्टिव रहते हैं और कोई भी नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम आती है तो इनको ये सॉल्व करते हैं ठीक है और इसी की हेल्प से जितने भी ट्रेड है वो इफिशियंटली स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन कोई दिक्कत नहीं आती है आसानी से एनएससी के जितने भी ट्रेड हैं वो हो पाते हैं ठीक है तो दिस इज एनएससी सॉफ्टवेयर आगे हम क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं कैसे एनएससी के जो ट्रेड होते हैं वो कैसे उनकी क्लियरिंग होती है कैसे उनका सेटलमेंट होता है ठीक है तो आपने एनएससी का नाम सुना होगा एन नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएससीएल नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की बात करूं तो जो एन के जो भी ट्रेड है जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन है एक्सचेंज का वो कौन मैनेज करता है वो मैनेज करता है एन एनएससीएल क्या है ये एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी है एनएससीएल क्या है एनएससीएल एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी है किसकी एनएससी की एनएससी की एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी है कौन सी एनएससीएल नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है जितने भी सेटलमेंट है ऑल सेटलमेंट फॉर सिक्योरिटी आर थ्रो क्लियरिंग हाउस जितने भी ट्रेड्स हैं वो कैसे सेटल होते हैं जितने भी ट्रेड्स हैं एनएससी के वो कैसे सेटल होते हैं थ्रू क्लियरिंग हाउसेस क्लियरिंग हाउसेस के थ्रू सेटल होते हैं ठीक है एंड फंड्स कैसे सेटल होते हैं देखिए जो बायर है उसने पैसा दिया है जो सेलर है उसके पास कैश आएगा ठीक है तो फंड का भी तो सेटलमेंट होता है तो इसको सेटल कौन करता है क्लियरिंग बैंक्स होते हैं जो फंड सेटलमेंट होता है वो कौन करते हैं क्लियरिंग बैक्स करते हैं ठीक है बट मेन जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जो है एनएससी के जितने भी ट्रेड है उनका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कौन करता है एन एस सी सी एल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एनएससी की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है ठीक है होली ओन का मतलब जानते हैं ना होली ओन मतलब पूरे हंड्रेड परसेंट मिस्टेक किसके पास है इसके एन एस सी के पास है ठीक है एंड एन एस सी सी एल जो होता है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो होता है इट वर्क टूगेदर विद डिपोजिटरी ऑन वन हैंड एंड क्लियरिंग बैंक ऑन द अदर हैंड यानी ये जो एन है ये किसके साथ मिलके काम करता है एनएससीएल डिपोजिटरी के साथ प्लस क्लियरिंग बैंक के साथ मिलके काम करता है टू टू प्रोवाइड डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सेटलमेंट डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सेटलमेंट मतलब प्रोवाइड करने के लिए ये दोनों के साथ मिलके काम करता है और जितने भी ट्रेड होते हैं उनको सेटल करता है ठीक है तो दिस इज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ एन तो बेसिकली क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कौन करता है एनएससी NSC का एन करता है ठीक आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं एडवांटेज की एन एस सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके क्या फायदे हैं क्या एडवांटेज है क्या खास बात है तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग तो एन एस सी बता चुकी हूँ पहला स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का जिसने 1994 में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट की थी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कह लीजिए बहुत बढ़िया सिस्टम है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब क्या है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग इससे क्या है कि काफी कुछ इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में ही सेव हो जाती है सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव होती है तो इससे क्या होता है बैक ऑफिस जो होता है ना उसका काम कम हो जाता है पेपर वर्क कम हो जाता है तो ये सिस्टम किसने शुरू किया था एनएससी ने शुरू किया था तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दूसरा इसका एडवांटेज क्या है वाइडर एसेसिबिलिटी वाइडर एसेसिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो एनएससी है क्योंकि एन का जो टर्मिनल है वो सैटेलाइट से लिंक है जो एन का जो मेन कंप्यूटर है वो सैटेलाइट और कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उनके सिस्टम से लिंक है जिससे इसकी क्या है वाइडर एसेसिबिलिटी है यानी दूर दूर तक इससे एसेस किया जा सकता है और ट्रेडिंग की जा सकती है विदाउट एनी इंटरप्शन ठीक तो ये इसका दूसरा फायदा है तीसरा फायदा क्या है ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन यानी जो ट्रांजेक्शन होते हैं एनएससी में वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होते हैं ट्रांसपेरेंसी होती है कोई भी डील है वो किस रेट पे हो रही है ये दोनों पार्टीज को पता होता है वो डील एग्जीक्यूट हुई कि नहीं हुई ये सारी बातें मतलब कुछ भी हिडन नहीं रहता है सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होती है सारी चीजें स्क्रीन पे होती हैं तो ये इसका अगला एडवांटेज है नेक्स्ट इज मैचिंग ऑफ ऑर्डर मैचिंग ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है हम जानते हैं कि जो ट्रेड है जो स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होता है वो कैसे होता है सपोज करिए बायर है उसने खरीदने का रेट लगाया है एक सौ एक रुपये बीस पैसे ठीक है एंड एक सेलर है सेलर बहुत सारे हैं किसी ने लगाया है एक सौ एक रुपये तीस पैसे किसी ने लगाया है एक सौ एक रुपए पचास पैसे बट किसी एक ने लगाया है एक सौ एक रुपए बीस पैसे तो ये रेट और ये रेट क्या हुआ मैच हो गया ना तो फिर ये ट्रेड हो जाएगा हमने लगाया ऑर्डर लेकिन ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है एग्जीक्यूट कब होगा जब क्या होगी मैचिंग होगी यानी जो रेट मैंने लगाया है उसी रेट पे कोई और अगर सेलर बेचने को रेडी है तब ये होगी मैचिंग और तब कोई ट्रेड क्या होगा तब कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगा ठीक है तो इसी को कहते हैं मैचिंग ऑफ ऑर्डर ठीक तो ये एनएससी में मैचिंग ऑफ ऑर्डर के थ्रू ही सारे ट्रेड होते हैं नेक्स्ट जो एडवांटेज है इवन सारे एक्सचेंज में मैचिंग ऑफ ऑर्डर के थ्रू ही ट्रेड होते हैं नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज इफेक्टिव सेटलमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट यानी अगर कुछ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं ठीक है कुछ मोनिटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं कॉर्पोरेट से जैसे डिविडेंड आ रहा है ठीक है कंपनी ने डिविडेंड डिविडेंडिक्लेयर किया या कंपनी ने इंटरेस्ट डिक्लेयर किया ठीक है या फिर uh, नहीं किया इंटरेस्ट तो देना ही है इंटरेस्ट दे रही है या कंपनी बोनस शेयर दे रही है ठीक है या कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट दे रही है तो उसका प्रॉपर सेटलमेंट भी एनएससी में होता है टाइमली डिले नहीं होता टाइमली होता है तो ये इसका अगला एडवांटेज है एंड लास्ट एडवांटेज क्या है नॉन डिस्कलोजर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर आइडेंटिटी यानी जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उनकी आइडेंटिटी बिना डिस्क्लोज किए जैसे अगर मैं बायर हूं ठीक है एंड ये एक सेलर है मैं किससे शेयर खरीद रही हूं मुझे अगर दस शेयर खर... खरीदने किसी एक्स कंपनी के तो मैंने ठीक है मैंने ऑर्डर लगाया लेकिन वो शेयर ट्रेड भी हो गए लेकिन वो, वो किससे मैंने खरीदा ये क्या रहता है ये एनोनिमस रहता है मतलब ये पता नहीं चलता है तो यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है मैं अगर बायर हूं तो सेलर लगे हुए हैं पर मुझे ये नहीं पता चलेगा कौन मिस्टर एक्स कौन मिस्टर वाई शेयर बेचना चाहते हैं तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ना ये होता है, यहां पे अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है ठीक है जरूरत मतलब आपको डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट जब ओपन कराएंगे तब तो आपको सब कुछ देना पड़ेगा पैन कार्ड देंगे आधार कार्ड देंगे बैंक डिटेल देंगे सब कुछ देंगे लेकिन वो आइडेंटिटी आपके ट्रेडिंग मेंबर के पास रहती है ठीक है वो आइडेंटिटी जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके बायर या आपके काउंटर पार्टी सेलर को नहीं डिस्क्लोज होती है तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ठीक है तो दीज बेर आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ एन ये कुछ एडवांटेजेस थे ठीक है तो चलिए आज फिर हमने क्या पढ़ा आज हमने एनएससी का ओरिजिन पढ़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ा प्रमोटर पढ़े सॉफ्टवेयर पढ़ा एनएससीएल के बारे में समझा एंड एडवांटेज पढ़ा तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू